हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक छोटा सा वीडियो, हालांकि इस पर वीडियो मैंने पहले क्रिएट भी किया है, लेकिन बार बार ये लेकर के रिक्वेस्ट आ रही है, तो चलिए ये देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक टेबल हमने बनाई है और टेबल में ही क्वेरी लगा दी है। दिक्कत ये है कि पूछ रहे हैं व्यूअर हमारे कि राउंड का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, जैसे हम राउंड करना चाहते हैं। देखिए, राउंड अप और डाउन का तो होता नहीं है, लेकिन राउंड का जरूर होता है यहाँ फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर मैं 120.8 लिखता हूं, तो मैंने यहाँ राउंड का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। ठीक है, राउंड अप का नहीं अप्लाई किया, केवल राउंड का अप्लाई किया है। तो अभी ये अपने आप अप हो जाएगा, यानी कि 121 हो जाएगा ये अपने आप। देखिए, जैसे इंटरफेस करता हूं तो यहां जो है रिजल्ट आता है 121। ठीक है, अगर मैं एंटर करता हूं 120.49, ये देखिए 120.49 ये हमने एंटर किया, तो अपने आप 120 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से। और यहां पर अगर फिर मैं एंटर करता हूं 120.5, तो यहां पे देखिए 120 ही रह जाते, यानी 120.5 से ऊपर जब भी होगा तो ये एक आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज ये पीछे की संख्या में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं राउंड। और इस तरह का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, चलिए ये सीखते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, तो ये हमारे पास टेबल आ गई, और फिर व्यू पे क्लिक कर दीजिए। टेबल टू ही नाम रहने देता हूं, यहाँ पर आईडी आ रही है, यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट मैं कर देता हूँ, नेम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो ये कर दिया हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट रहने देते हैं, और यहाँ पर प्राइस, प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आप कर लीजिए करेंसी, करेंसी कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ पे कर लेता हूँ यूनिट। ओके, तो ये यूनिट भी कर लिया हमने। अब 2016 वर्जन यूज कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे नंबर करूंगा, और नंबर करके इसे बना लूंगा, क्या इसे बना लूंगा यहाँ से डबल। ठीक है, अब कितना डेसिमल प्लेस आपको चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट, कितने पॉइंट तक आप आगे बढ़ाना चाहते हैं वो देख लीजिए। तो मैं यहाँ 2 पॉइंट तक रखना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर करूंगा टोटल, और फिर इसको भी रख लूंगा करेंसी। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हमने करेंसी सीधा सीधा। ओके, और यहाँ पे करेंसी ना करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करेंगे, क्योंकि 2016 है तो यहीं पे कैलकुलेटेड फील्ड लगा लेते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस इनटू यूनिट कर देंगे, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, आसानी के साथ ये कर सकते हैं आप। अब देखिए, यहाँ पर हमें राउंड का फॉर्मूला लगाना है। देखिए, ये तो हो गया हमारा काम, और यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे प्राइस देंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड, ये लिख दिया, और कीबोर्ड की प्राइस है 220 रुपए। ठीक है, तो ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट मैं जरूर लगाऊंगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ 220.40। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 60 यूनिट है, तो यहाँ पर टोटल अपने आप आ जाएगा, ये आ गया टोटल। ठीक है, इसमें एक काम और करते हैं हम, ये जो कैलकुलेटेड लिया हमने, इसमें मैंने डबल जरूर बनाया, लेकिन डेसिमल प्लेसेस ऑटो कर दिया है, तो ये डेसिमल प्लेसेस 2 रखेंगे हम यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से आ गया। अब यहां पर क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं माउस, MOUSE, और माउस का 220 रुपए 15 पैसे रेट है, और यहाँ पे एक माउस भी का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 पैसे आए हुए हैं। ठीक है, अब इस 15 पैसे का तो कोई मतलब बनता नहीं है, फिर यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जैसा मान लीजिए मैंने LED लाइट, ठीक है, तो LED लाइट की बात कर लेते हैं। अब ये है आपका 340 रुपए 11 पैसे। ठीक है, तो ये 11 पैसे का कोई महत्व नहीं है, ये तो 2 LED लाइट खरीदी गई, तो यहाँ पे 22, इस तरह से आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ LED टीवी, तो ये टीवी भी आगे लिख देंगे, टीवी से पता चलेगा, एलईडी टीवी हो गया। अब ये एलईडी टीवी कितने की है, ये है 14,000 रुपए की, तो यहाँ 14,000 लिख दिया। अच्छा, 14,000 पॉइंट में जरूर देंगे, 80 कर दिया हमने। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे कर दिया हमने एक, एक ही एलईडी टीवी आई, तो यहाँ पे 80 पैसे आ चुके हैं, ये देखिए 80 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये नहीं चाहते कि ये 15 पैसे 22 पैसे या 80 पैसे आए। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो कि मैंने पहले भी बताया है, बहुत ही आसान है, तो क्रिएट पे चल के और फिर क्वेरी डिजाइन पे जाइए, और टेबल टू ही नाम था, तो ये टेबल टू ले लेते हैं, और ये सारे फील्ड्स के ले लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से ये आ गए। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक हम राउंड के लिए, राउंड करके इसको हम बनाए,
तो यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा इसको जूम व्यू पे ले लेता हूँ, आपको भी बेहतर तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया, अब इसको राउंड करवाना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है राउंड का, तो ये राउंड फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और क्या नाम है फील्ड का, क्या नाम है, टोटल नाम है। तो यहाँ पे लिखिए टोटल, ठीक है, और टोटल लिख लिया और इसको क्लोज कर दीजिए। ये क्लोज किया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके फिर इसको क्लोज कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको जीरो पॉइंट तक राउंड करवा रहा हूं मैं। ये देखिए, यहाँ जीरो पॉइंट तक राउंड करवाया, ओके प्रेस कर दीजिए। ये हो गया आपका काम, अब इसको रन करवा दीजिए। अब देखिएगा तो यहाँ पर पॉइंट हट चुका है। अब यहाँ पे देखिए 14,000 था तो 14,001 आ चुका है, 80 पैसा, यानी 0.5 या 5 से ज्यादा, 0.5 से ज्यादा जब भी होगा तो वो उसको आगे लेके चला जाएगा, यानी राउंड अप कर लेगा, अदरवाइज राउंड डाउन कर देगा। चलिए फिर से दिखाता हूं, यहां पर मैं लेता हूं थंब ड्राइव, थंब ड्राइव, और एक ही पीस इसका परचेस हम करेंगे, और एक की कीमत है 1200। अब यहां पे 50 लिखा मैंने, तो 50 है तो ये 1200 ही इसको मान के चलेगा एक्सेस, ठीक है। एक खरीदा तो ये देखिए यहाँ पे 1200 ही मान के चल रहा है, अगर इसको राउंड कर रहे हैं हम तो ये 1200 ही एक्सेस मान के चल रहा है कि इसका मतलब 1200 होगा। अच्छा, यहाँ पे आए, अब फिर यहाँ पे अगला प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि एक वायरलेस कीबोर्ड या इस तरह की कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं वायरलेस कीबोर्ड, तो थोड़ा सा ये महंगा इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज, 1200 रुपए और 51 पैसे कर देता हूँ, सिर्फ 51 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको आगे लेकर के जाएगा, यानी 1201 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी। यहाँ पे एक ही पीस है तो यहाँ पे देख सकते हैं 1201 रुपए इसकी कीमत हो चुकी है। तो इस तरीके से आप राउंड कर सकते हैं। विकास जी, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका काम जरूर बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।